गुड आफ्टरनून बच्चों, ये कुछ और इंडेक्स क्वेश्चन है कि जिसके नॉलेज से मतलब ये सॉल्व करके आपको आपको प्रिपरेशन मेथड कितना समझ में आया है, नहीं तो आपने प्रिपरेशन मेथड आपको आता भी है या नहीं तो वो समझ जाओगे। तो लेट अस चेक योर नॉलेज फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। यार पहला क्वेश्चन है, अल्किन है बच्चों सिंपलेस्ट। देखो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के दो वैलेंसी किसके साथ है, एक बेंजीन के साथ और एक किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के दो किसके साथ है, दोनों हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे HBr का एडिशन करना है सिंपलेस्ट। तो व्हाट यू हैव टू यूज इज मार्कोनिक ऑफ रूल। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जैसे कि H प्लस है Br माइनस है, तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू द कार्बन विच कैरीज वॉट, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास दो हाइड्रोजन दिख रहे बच्चों, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन रिंग, उसके बाद ये कार्बन है वो, उसको कौन था पहले, H था, और फिर कौन आ जाएगा, अब Br आ जाएगा। यहाँ पे कौन है, CH3। ये तीन H कैसे हुए, यहाँ पे दो H पहले से थे और एक H आ गया तो CH3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अल्किन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कितने, दो। तो वेयर दिस निगेटिव पार्ट विल गो, दिस कार्बन। सो ये तो एक्चुअली पूरे आपने सॉल्व करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो भी मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब आपको और अच्छे से दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। Cl विल बी एडेड टू दिस कार्बन एंड H विल बी एडेड टू दिस कार्बन। तो ये कंपाउंड मिल गया आपको, ये कंपाउंड मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बेंजीन रिंग CH2 सी डबल बॉन्ड CH2 और H। तो यहाँ पे इस और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, HBr है, लेकिन मार्कोनिक ऑफ रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। व्हाट यू हैव टू यूज इज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल के एग्जैक्ट अपोजिट यूज करना पड़ेगा। अपोजिट क्या होता है, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन विच कैरीज वॉट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक ही है ना, और इसके पास कितना है, दो हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, दो हाइड्रोजन क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके बाद CH2, उसके बाद C, उसको क्या मिलेगा, H, तो ये दो H हो जाएंगे, एक H था तो अब दो हो गए, तो यहाँ पे क्या CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, दिस विल बी आवर व्हाट, प्रोडक्ट। अब इस टाइप के MCQ, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, NCERT पढ़ो, और एक्सरसाइज भी हम लेंगे और कुछ टेस्ट लेंगे अभी, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड टोटली कंप्लीट हो चुकी है। प्रिपरेशन मेथड होने के बाद हम रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारे देखेंगे, लेकिन ये तो आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, उसके बाद हम अगले लेक्चर में और देखते हैं, ठीक है।